जिस वैक्सीन ने लोगों को कोरोना महामारी से बचाया, अब वही वैक्सीन लोगों की जान लेने पर आ गई है। ऐसा हम नहीं बल्कि वैक्सीन पर किए गए कुछ रिसर्च कह रहे हैं। दरअसल भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स अब निकल कर सामने आ गए हैं, जिसके बाद अब लोगों में फिर हलचल मच गई। बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स ने साइंस जर्नल स्प्रिंगलिंक में पब्लिश हुई एक रिसर्च के हवाले से कहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग एक तिहाई लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं। इन लोगों में सांस संबंधी बीमारियां, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां भी देखी गई हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि टीनेजर्स, खास तौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के दो डोज लगवाए हैं। खबरों के मुताबिक स्टडी में वैक्सीन से होने वाली तीन समस्याएं सामने आई, जिसमें लोगों में सांस संबंधी बीमारियां, स्किन से जुड़ी बीमारियां, गुलियनबेरी सिंड्रोम पाया गया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी सिर्फ उन लोगों पर ही हैं जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हो या फिर किसी स्किन इन्फेक्शन से ग्रसित हो, या तो जिन लोगों को टीकाकरण के बाद टाइफाइड हो गया वो कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के लिए ज्यादा जोखिम में है। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही लोगों में सनसनी मच गई, जिसके बाद भारत बायोटेक की तरफ से बयान आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि इनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन एकदम सुरक्षित है और कोई भी खतरा इस वैक्सीन से नहीं है। आपको बता दें कि साल 2020 भारत के लिए काफी संघर्ष भरा था। साल 2020 में भारत ने कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी को झेला, जिसके बाद से मानो हर किसी की जिंदगी में एक ब्रेक सा लग गया था। लेकिन देश इस महामारी से निपटने में कामयाब रहा और इस महामारी से लोगों को निकाल भी दिया। देश में कोरोना वैक्सीन ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन किसे पता था कि जिस वैक्सीन को लेकर लोग महसूस कर रहे हैं कुछ वक्त बाद, उसी वैक्सीन पर अब जान लेने के इल्जाम लगने लगेंगे। हालांकि ये बात पहले भी कही गई थी कि कोवैक्सीन लेने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करें। आपका इस खबर के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।